हाँ जी, वेलकम बैक प्यारा रमजान में। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो आज गेस्ट हमारे इस शो में आ रहे हैं, आई बीन वॉचिंग हिम बड़े दिनों से एक्सप्रेस की स्क्रीन पर ही, और मैं कहती थी यार ही इज अ वंडरफुल पर्सन टू बी विद ऑन स्क्रीन। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, एक एनर्जी ले आते हैं स्क्रीन पर, एक पावरफुल सी एंट्री होती है, प्रेजेंस बड़ी अच्छी होती है, पॉजिटिव सी प्रेजेंस होती है। और भाई सीधी सी बात है, इतना इमोशनल सीन ड्रामास में होता है, हमारे शोज़ में भी देखें, अभी एक सिचुएशन बन गई थी। मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों को देखकर, जिनकी कॉमेडी की टाइमिंग, जिन्हें बात करने का अंदाज़, जिनका परसोना पूरा ऐसा हो कि वो आपको खुश कर दे। क्योंकि जब आप टीवी देखते हैं आफ्टर द एंटायर डे थक हार के, तो आपको कोई ऐसा बंदा टीवी पे चाहिए होता है ना जो आपको मुस्कुराने पे मजबूर कर दे। तो आज भी हमारे जो गेस्ट हैं वो ऐसी ही शख्सियत हैं, ड्रामा इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है। नेहड़ बेरुखी, रक्स बिस्मिल जैसे कई कामयाब ड्रामों में उन्होंने काम किया, लेकिन फिर एक शो पर, एक रियलिटी शो में ऐसे वो नमूदार हुए कि लोगों ने कहा कौन है ये बॉय, कौन है? तो उस बॉय को हम ले आए एक्सप्रेस पर। एक्सप्रेस पे जो हमारा गेम शो आता है राइट आफ्टर मगरिब, उसमें वो रेफरी के तौर पर, को होस्ट के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और चूंकि मैंने आज एक्सप्रेस से रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा गला ख़राब है, बुखार हो रहा है, नज़ला हो रहा है, सर में बहुत दर्द है, कोई को होस्ट मुझे भी दे दें, उन्होंने कहा हाजिर है, को होस्ट आ गए हैं। तो हमारे साथ उमर आलम मौजूद हैं जी। अस्सलामु अलैकुम उमर। इस तरफ है उमर, इधर दरवाजा नहीं। उमर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप उमर? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू प्यारा रमजान। अरे वाह, कितना अच्छा सेट है आपका यार। क्यों शहरयार वाला सेट अच्छा नहीं है? नहीं, वो है, वहाँ पे लगता नहीं है कि रमजान है, यहाँ पे लग रहा है कि रमजान है। यहाँ आपको हम पूरा फील कराएंगे, रमजान की पूरी फीलिंग देंगे। लेकिन पहले मैं आपको टॉर्चर सेल लेकर जा रही हूँ। आइए, यहाँ पे भी रमजान में भी टॉर्चर? जी जी बिल्कुल, टॉर्चर बहुत होगा क्योंकि बच्चा पार्टी को मैंने आपके लिए रोका है बकायदा। अस्सलाम वालेकुम। अब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? अब आवाज चल गई। तो उधर बैठो, इधर बैठो, जहाँ बैठना बैठो। हाँ भाई, कौन आया आज? उमर भाई आए, कुछ सवाल शवाल पूछना है उमर भाई से। माइक तो दे दो मुझे यार, माइक नहीं रखा। बच्चों से सवाल ना पूछो, है बच्चे मासूम होते हैं, बड़े अजीब से सवाल पूछ लेते हैं। बहुत अच्छे सवाल पूछेंगे आपसे। और सच क्या है, माइक कहाँ है यार? क्यों दुश्मनी कर रहे हो उमर से और माइक नहीं दे रहे? हाँ माइक आना जरूरी है ना सवाल के लिए भाई, वरना। अच्छा ये ग्लासेस जरा उमर भाई को तो पहना के देखो, कूल लग रहे हैं। मैं ले लूं? हाँ मैं ले जाऊंगा, अगर मुझे अच्छे लगे ना तो मैं ले जाऊंगा। हाँ, इनके पास भी है एक और भी। ठीक है। हाँ जी, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? बड़ा मुश्किल सवाल। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही है, आप भी बहुत प्यारी लग रही है। चलें ठीक है, मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा प्यारा लग रहा था मैं। आपकी फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट डिश मेरी पुलाव है। अच्छा उमर, आपका ताल्लुक कराची से ही है? नहीं नहीं, मैं बेसिकली सियालकोट से ताल्लुक है मेरा, लेकिन फिर हम इस्लामाबाद मूव हो गए थे 2008 में, 2017 में मैं कराची आ गया। अच्छा भाई, मैं वहाँ जा रही हूँ ताकि जरा बच्चे भी दिखें और उमर भाई भी दिखें। आप मुझे लग रहा है काफी स्वीट है बच्चे आपके इर्द गिर्द ऐसे। क्या चाहिए, क्या चाहिए? उधर बैठो अपनी अपनी जगहों पर, क्योंकि मैंने कुछ सवाल करना है ना उमर भाई से। उमर भाई मुझे ये बताएं जी कि आप का ताल्लुक, क्योंकि पंजाब से आपने बताया, तो इस वजह से तो नहीं आपको पुलाव पसंद? यहाँ वाले तो कराची वाले बिरयानी से आगे बढ़ते ही नहीं है। देख ये बड़ी आपको एक मजे की बात बताऊं कि पंजाब का चावल जो है वो बहुत अच्छा होता है, मतलब वो हर जगह पंजाब का सब कुछ बहुत अच्छा होता है। जी चले, आप कहना चाह रही हैं तो मैं कह दूंगा ऐसे, लेकिन हमारे पाकिस्तान की सभी चीजें माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन चावल वहाँ का बहुत अच्छा है, तो मुझे चावल ऐसे पसंद नहीं है। अच्छा, मतलब सफेद चावल हो गए या वो उबले हुए जो दूसरे वाले, मुझे सिर्फ पर्टिकुलरली पुलाव पसंद। अच्छा, पुलाव बीफ का, मटन का या चिकन का? चिकन का खाते हैं। अच्छा, मतलब हमके घर में ज्यादा बीफ तो इतना नहीं खाया जाता हमारे यहाँ, तो हम जो है मटन और चिकन। अच्छा उमर के जो रमजान थे अर्ली चाइल्डहुड वाले, वो कौन क्या याद है? अफ्तारियाँ, सहरियाँ, कोई डांट डपट होती थी, कभी पिटाई लगी अम्मा को तंग करने पर? नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं पकौड़ों का बहुत क्रेजी फैन हूँ, मतलब बहुत शौकीन, ऐसा क्रेजी हूँ कि मैं, मेरे लिए स्पेशल अलग से दो, मतलब परागे कहा जाता है उसको। अच्छा। परागा एक जो होता है वो बनता है जो एक एक टाइम पे एक क्वांटिटी बनती है,
तो पंजाब में उसको परागा कहते हैं। मेरे लिए स्पेशल दो परागे बनते थे, वो मैं खाता था और अपनी अम्मा के हाथ के पकौड़े मुझे इस कदर पसंद है। और अम्मा कौन से वाले पकौड़े बनाती हैं? वो पालक वाले, मतलब मजेदार क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ा। और उमर हेल्प करता था अम्मा को किचन में? हाँ बिल्कुल, मैंने बोलो खत्म करने में हेल्प करता था पकौड़े खत्म करने। हाँ बता दो, बता किस नबी का सबसे ज्यादा नाम आया है? आप बताएं जी। जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ आप उमरे में जाकर सबसे पहले क्या करेंगी? उमरे में जाकर सबसे पहले उमरा करूंगी मैं क्योंकि ये यही तो करने जा रही हूँ। उमरे में जाकर सबसे पहले अपना सामान रखेंगी बेटा। हाँ सबसे पहले मैं, हाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सलाम का सबसे ज्यादा जिक्र आया। अच्छी चीज बता दो भाई, वो उनको बताओ, उनको जरूरत है ना। मुझे वो बताओ जरा, मैं गेम शो से आए बहुत वहाँ पे अच्छी चीजें नहीं हो रही ज्यादा। आप बताओ, मुझे बताओ। अल्लाह एक ही, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ताला सबसे बड़े सबसे ज्यादा ताकतवर है। हमें हमारे माँ बाप बहन भाई और सारी दुनिया अल्लाह ताला ने ही पैदा की है। yes. अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं और सारी दुनिया अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें yes. भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करें, हर बात माने। अगर हम उनकी हर बात मानेंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे, जन्नत में दाखिल। बिल्कुल हाँ, आपको भी कुछ कहना है कह दो। पहला कलमा, पहला कलमा सुनाना है, सुना दो। हाँ पहला चला तैयब तैयब पान पा ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत अच्छा, सही कलमा सुनाया। लेकिन अगर कभी माइक वाइक गायब हो जाए तो एक्सप्रेस की टीम को पता होना चाहिए कि वो माइक कहाँ गया। हाँ। क्योंकि हाइम रोज ट्राई कर रहा है कि माइक खा ले। आपको माइक खाना है? पक्की बात है? अच्छा, हाइम को बिरयानी अच्छी, हाइम को बिरयानी अच्छी लगती है, पुलाव? पुलाव पुलाव भाई, तो उनकी टीम में वहाँ चले जाओ भाई। किसको बिरयानी किसको अच्छी लगती है? आप इधर आ जाओ भाई, ये मेरी टीम में आ गया। आपको क्या? बिरयानी दिखाओ भाई, आप उनकी टीम में जाओ ना, पुलाव वाली टीम उनकी है। चलो माइक लेके चलो। बिरयानी, हाँ बिरयानी जीतेंगे। आपको हम जीतेंगे, बिरयानी पुलाव वहाँ जाओ। बॉयज वर्सेस गर्ल्स, इससे वाजे होता है कि बिरयानी हमें गर्ल्स को चाहिए होती है और बॉयज को जो है। आप लोग की बड़ी मजे की वो वीडियो आई थी जिसमें चार्ट और आई लव दैट वीडियो, बड़ी जबरदस्त थी। हमारी कंटेंट टीम बहुत अच्छे मजेदार आइडियाज लेकर आते हैं हमेशा, वो एक्सप्रेस के जो है यहाँ पर भी मुलाकात। हाँ यहाँ एक ही को हम हर जगह यूज कर रहे हैं जी। वाओ यार, तो किसी एक गर्ल को निकालना पड़ेगा, एक लड़के को लेकर। राधे जी आप चली जाएं। अच्छा मुझे ये बताओ पर कि जो गेम शो है यहाँ तो भाई लड़ाई झगड़े नहीं होते। गेम शो में मुझे ऐसा फील आता है कि बड़ा फड्डा चल रहा होता है ना, मतलब वो गेम जब भी कहीं भी कम्पेटिटिवनेस होती है कहीं भी, तो वहाँ पर ये फड्डे होते हैं। आपको एक जब राय का इख्तलाफ राय होता है आपका, और अक्सर वो इख्तलाफ राय हमारे साथ ही होता है। सेलिब्रिटीज का इख्तलाफ राय तो बड़ा वो हैवी होता है उनका, खूनखार बिल्कुल ऐसे ही हैवी होता है। सबसे खतरनाक सेलिब्रिटी कौन है वहाँ पे? हाँ किंजा है, थोड़ी सी किंजा खतरनाक है, गुस्से में आ जाती है। लगती तो बहुत मासूम सी है, प्यारी सी। यही तो हमें भी लगता था लेकिन जब हम उनके साथ फ्लोर पर गए तो। और ऐसी सेलिब्रिटी वहाँ पर जिसकी कोई टेंशन ही नहीं होती यार, जो करना है करो भाई, या मेल या फीमेल। उस लिहाज से देखा जाए तो फैजान शेख और माहम इनका कपल जो करना है करो। हाँ वो बड़े चल रहे, वो सही है कि ठीक है भाई कोई नहीं, हमें पैसे तो हम घर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से उनका मकसद यही चल रहा है पीछे, हमें तो ये कहते हैं हम इंजॉय करने आ रहे हैं, लेकिन ये मकसद आपने बताया। बात है सीक्रेट यही है कि भाई पैसे दो और हम घर जाएं। अच्छा तो रेफरी क्योंकि आप हैं, मैंने आपके जो सात सेलिब्रिटीज हैं उनसे थोड़ी कॉल पे बातचीत की, तो एक दो ने शिकायत की कि भाई ये जरा। हाँ बिल्कुल सही है, जब उनके हमारे यहाँ ऐसे ही होता है जब उनके खिलाफ फैसला दे दिया जाए तो फिर वो ये है कि रेफरी बिका हुआ है और रेफरी फेयर नहीं है, क्या करें हम पे बिक गई है गवर्नमेंट ऐसा ही है, और उमर भी बिक गया है। हम भी फिर कबूल कर लेते हैं, हाँ जी आप भी दो पैसे हम आपके लिए कर लेंगे। बताओ अच्छा, बट ऑन अ सीरियस नोट, हाउ इज द एक्सपीरियंस आपका ये गेम शो का? आई एम लविंग इट, आई एम जस्ट लविंग इट, बहुत मजा आता है। तो बहुत वक्त गुजारा आपने एक रियलिटी शो पर, जारे जो एयरवे पे हो रहा था, और फिर आप यहाँ आए, तो यहाँ भी आपको रियलिटी शो वाली फीलिंग्स आ रही है? नहीं रियलिटी शो वाली फीलिंग आ रही है, यहाँ पे गेम है वहाँ पे रियलिटी था। हाँ। तो ये है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, कुछ ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि हाँ। आप लाइव हैं और आप यहाँ पे गेम का हिस्सा हैं। वहाँ पे तो ये था कि रियलिटी शो था कि आप जो भी हैं आप बस दें सबको, बताएं कि ये है रियलिटी। यहाँ पे आपको थोड़ा ख्याल करना पड़ता है, ये डिफरेंस मुझे फील हुआ है यहाँ से वहाँ तक के सफर में। लेकिन उमर आपकी पर्सनल लाइफ में
जैसे ही आपको वो रियलिटी शो मिला, फिर अब यहाँ आ गए, आपकी फैन फॉलोइंग यकदम है, एक होता है ना थोड़ा सा आपका स्लो एंड स्टेडी वाला होता है, तो आप काम और मेहनत बहुत अरसे से कर रहे थे, एवरीवन न्यू कि भाई ये लड़का मेहनत करता है, बट वो जो फेम है वो अल्लाह की तरफ से बहुत सडनली आया, तो डिड इट चेंज यू या आपको हम्बल कर दिया, या थोड़ा सा आपने कहा कि यार अब थोड़ा सा हमने भरम में आ जाना है? नहीं, इस बात पे जो है मैं एक शेर कहना चाहूंगा। जी जी इरशाद, मतलब क्या मजेदार है, नुक्तावरों ने हमें समझाया खास बनो आम रहो। हाँ। नुक्तावरों ने हमें समझाया खास बनो आम रहो। हैं? आगे आगे भी तो बता दें। नुक्तावरों ने हमें समझाया मतलब मैंने कहा तो मुझे भी नहीं आता, मैं कंप्लीट भी नहीं कर सकती। नुक्तावरों ने हमें समझाया खास बनो आम रहो, महफिल महफिल दुनिया में गुमनाम रहो। क्या बात है, गलत कर दिया मैंने, दोबारा बताता हूँ, दोबारा से बताता हूँ। नुक्तावरों ने हमें समझाया खास बनो आम रहो, महफिल महफिल बैठो दुनिया में गुमनाम रहो। क्या बात है, मेरा मंत्रा यही है कि आपको गुमनाम रहना है, गुमनाम, लेकिन महफिलों में भी जाना है। मतलब यही है कि आप नजर इस तरह का नहीं पता चले, अरे इसको तो सर पे चढ़ गया इसका फेम, और ये देखो जरा अभी अभी बना है ये। हाँ। और इस तरह से अभी से इस तरह इतनी वो पर्सनैलिटी चेंज कर ली, तो मेरे ख्याल से अभी तक कुछ चेंज हुआ नहीं। जबरदस्त, एंड वी होप कि कुछ ना चेंज हो। आज जब ये हमारे शो पर आने वाले थे तो मुझे टीम के लोग आके कहते हैं कि मैम आज जो आए हुए हैं ना पीछे वो बड़े अच्छे इंसान हैं। सो दिस इज रियली द फर्स्ट टाइम कि मेरे मेकअप वालों ने और कैमरामैन ने ये आके मुझे कहा। उमर भाई से कोई सवाल पूछना है, मैं लेकर जा रही हूँ, जल्दी जल्दी पूछ लो। हाँ अलवीरा सुना दो भाई। ब्लैक और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम, अलवीरा में अच्छी चीज है, सब अच्छी चीजें बता रहे हैं, उनको पता है उमर को कितनी जरूरत है अच्छी चीज़। आपको शायद मेरा इंट्रोडक्शन ही सही नहीं करवाया। जी जी बताओ अलवीरा। रमजान के रोजे आए, हम झूम झूम जाए, हम रोजा रंगना चाहे अगले साल। बस पूरा किसको आता है ये? हुरैन को आता है? पूरा आता है ये? मुझे एक बात बोलनी है बस। हाँ मैं ये कह रही हूँ, कह रही हूँ आपको सबसे अच्छी चीजें क्या लगती हैं? बच्चे, इसलिए मेरे दो हो गए बहुत जल्दी जल्दी शादी के बाद। मैं ये कह रही हूँ आपको चीजें कैसे क्या पसंद? डिश में से मुझे ट्रे बहुत अच्छी लगती है, ट्रे होती है ना, कप्स और ट्रे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मुझे पता है क्यों, क्योंकि काफी हम लोग चाय पीते हैं। हाँ, लेकिन मैं चाय नहीं पीती, फिर मुझे कप्स अच्छे लगते हैं, जैसे रखे हो ना शोकेस में, जो अम्मी का पुराना शोकेस होता है जिसका कोई काम नहीं होता मुझे वो पसंद है उसमें कप्स। जी हाँ। मैंने एक बात नोट की, सारे बच्चे मुझे अच्छी बातें बता रहे हैं और मुझे इन्हें लगता है शायद बुरी बातें सारी मुझे पता है। हमें भी ऐसा लगता है कि आपको बुरी बातें आपने सीख ली। ओह नो ये क्या हो गया? जी हाँ क्या पर्पल कलर अच्छा लगता है मुझे। और कौन सा कलर अच्छा लगता है? ब्लू व्हाइट, ब्लू व्हाइट, येलो कलर, येलो भी अच्छा लगता है, और पिंक कलर। अच्छा मुझे ये बताओ आज खाना क्या खाया, शहरी में क्या खाया? कल तो आपने 5-6 चीजें खाई थी, बर्गर, और आज क्या खा के आयो? आज अभी मैं खा के आयो, रात में मैंने खाया था पेप्सी पिया था और बिरयानी खाई थी और कोल्ड ड्रिंक वाला दूध पिया था और चिकन भी खाया था। चिकन भी खाया था, सब कुछ शहरी में या सारी शहरियों का बता रहे हो? सारी नहीं, ये तो आजकल थोड़ी कम कर रहा हूँ मैं, थोड़ा लग रहा है वेट पुट ऑन कर लिया थोड़ा सा मैं आजकल डाइट पे हूँ। जी ओ यूनिकॉर्न वाली दिखा क्या उमर भाई को जल्दी से, यूनिकॉर्न वाली रिंग। बच्चों को भरोसा ही नहीं है ना, चीजें भी नहीं शेयर कर रहे हो उमर से, क्या अच्छे बच्चे नहीं है? हम जा रहे हैं, आप लोग कोई उमर भाई से क्वेश्चन ही नहीं करे। उमर हमारा वक्त हो गया किचन में जाने का।